मेरे दोस्तों इंसान को डिस्कशंस का बड़ा शौक है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया थिंग्स हैव चेंज कम्प्लीटली एंड ये सोशल मीडिया से ही चीज़ें चेंज नहीं हुई हमेशा से मैन वॉज नोन टू बी अ सोशल एनिमल लोगों को बात करने का शौक है लोगों को एक दूसरे से डिस्कशंस में एंगेज करने का शौक है ओल्ड स्कूल वेबसाइट्स पुराने जमाने में जो वेबसाइट थी उनमें डिस्कशन की फीचर्स नहीं थी बट थैंक्स टू मॉडर्न कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स या जिनको हम सी एम एस पी कहते हैं वी हैव दर्चुनिटी टू डिस्कस एंड डिबेट लेकिन डिस्कस एंड डिबेट क्यों करना है बिकॉज देर इज एवरी टाइप ऑफ कॉन्टेंट आउट देर और डिस्कशन और डिबेट्स जब होती हैं उसी से नए आइडियाज सामने आते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि जो सेटिंग्स एरिया है दैट्स द ब्रेन ऑफ वर्ड प्रेस डू नॉट अंडर एस्टिमेट द सेटिंग एरिया इट्स दैट पर्टिकुलर प्लेस जिधर से आप वर्ड प्रेस की डिफरेंट सेटिंग्स और फीचर्स को पावर कर सकते हैं एंड यू कैन डू मोर विद दिस सेटिंग्स एरिया सो इसी तरह वर्ड में एक सेटिंग्स डिस्कशन एरिया भी है जिसके बारे आपको में आपको शॉर्टली और डिटेल में बताऊंगा लेकिन बी वेयर और ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ क्योंकि ये कहना बताना बहुत सख्त ज़रूरत है और ज़रूरी है कि बी वेयर आप अगर सेटिंग में कोई चीज़ ख़राब करेंगे तो आपकी साइट डाउन हो सकती है बिकॉज यू आर आर एस्टीम्ड लर्नर्स और हम नहीं चाहते कि आपकी साइट खराब हो या आपकी साइट में किसी किस्म का कोई मसला हो दैट्स वाई वी वॉन्ट यू टू बी वेरी केयरफुल वेन यू टच द सेटिंग्स एरिया इन स्पेशली सेटिंग्स में जो डिस्कस वाला पार्ट है सो so डिस्कस वाला पार्ट सेटिंग्स डिस्कशन इज़ द फोर्थ सेटिंग्स एरिया दैट यू विल बी एक्सप्लोरिंग और इस पे हमने डेडिकेटेड वीडियो इसलिए बनाई हुई है बिकॉज इसमें भी कुछ ऐसी डेडिकेटेड सेटिंग्स हैं, जिनका आपको बहुत जरूरी है जानना और जिनको एक्सप्लोर करना टेस्ट करना आपके ब्लॉग के लिए आपकी वेबसाइट के लिए विल बी वेरी क्रूशल सो द डिस्कशन सेटिंग्स डिफाइन हाउ योर रीडर्स इंटरैक्ट विद योर साइट एंड हाउ योर साइट इंटरक्ट विद अदर ब्लॉग्स जैसे जैसे लोग आपकी साइट पे आएंगे आपसे बातें करेंगे दैट्स वेयर यू कैन एक्चुअली चेंज मोर ऑफ योर वेबसाइट इन हाउ इट वर्क और आप कैसे करेंगे यूजिंग द डिस्कशन सेटिंग्स फीचर यू कैन कंफिगर पिंग बैक्स एंड ट्रैक बैक्स वेदर रीडर्स कैन पोस्ट कॉमेंट्स और हाउ योर कॉमेंट्स आर बींग मॉडरेटेड अब आप ये सुन के कहेंगे कि यार ये क्या है पिंग बैक और ट्रैक बैक क्या अजीब अजीब से लव्स है ना आप बता रहे हैं हमें तो आई एक्सप्लेन दैट बिट इन डिटेल अ ट्रैक बैक गिव्स ब्लॉगर्स दी एबिलिटी टू कम्युनिकेट बिटवीन साइट ट्रैक बैक इज ऑलमोस्ट वन पर्सन टू अनदर दिस इज समथिंग यू मे बी इंटरेस्टेड इन तो बिल्कुल उसी तरह की अगर आप किसी और अपने दोस्त को जिसका एक और ब्लॉग है उसको आप टैग करना चाह रहे हैं दैट्स कॉल्ड अ ट्रैक बैक अ पिंग बैक इज अ सॉफ्टवेयर दैट गि दी एबिलिटी टू योर वेबसाइट to communicate with other websites, it's almost like a remote comment. so ये trackback है और ये pingback है. अब let's try to understand the difference between a pingback and a trackback. so trackbacks are manual, whereas pingbacks are automatic. so trackback ये होगा कि आप अपने एक दोस्त को खुद tag करते हैं, manually. और pingback ये है कि automatically एक software ping करेगा उसकी site को और बताएगा उसे कि इस बंदे ने आपको इधर mention किया पेंग बैग्स डू नॉट सेंड एनी कॉन्टेंट वाइल ट्रैक बैगस सेंड अ लिटल एक्सर्प्ट ऑफ द कॉन्टेंट सो इस एरिया में आप सेटिंग्स एरिया में डिस्कशन में आप पेंग बैग्स और ट्रैक बैग्स को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं और ये डिपेंडिंग ऑन वर्ड प्रेस पहले जिस तरह से था दिस यूज टू तो बी वेरी इंटेग्रल फीचर बट एज़ वर्ड प्रेस हैज़ इवॉल्व ये फीचर थोड़ी थोड़ी मेन स्ट्रीम से ज़रा पीछे हो गई है

जर्नल पे जाके वो ईमेल चेंज कर सकते हैं जिधर बार बार ये ई मेल जाएगी एज यू कैन सी हेयर इन द सेटिंग्स पार्ट सो एक पार्ट इसमें ये है जिसमें आप थ्रेड्स uh, को अपने जो कामेंट्स हैं उनके थ्रेड्स को भी इनेबल uh, डिसेबल कर सकते हैं साथ साथ आप देख सकते हैं कि आप अपने यूजर्स के लिए नेस्टेड कामेंट्स इनेबल करना चाहते हैं कि नहीं वट आर नेस्टेड कामेंट्स नेस्टेड कामेंट्स अलाउ योर यूजर्स टू हैव कन्वर्सेशन बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप फेसबुक पे करते हैं और ये भी आप दिखा सकते हैं वेदर यू वॉन्ट टू ब्रेक कॉमेंट्स वेदर यू want दी न्यूएस्ट कॉमेंट टू अपेयर या द ओल्डेस्ट कॉमेंट टू अपेयर बिफोर ये भी आपके पास एक ऑप्शन है ई मेल के ऑप्शन के बारे में मैंने आपको बताया और साथ ही साथ अगर आप कमेंट मॉडरेशन से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं वो भी आप इधर कर सकते हैं और साथ साथ अगर आप कोई कमेंट को ब्लैकलिस्ट करना चाह रहे हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन एब्यूसिव लैंग्वेज वो भी आप इधर कर सकते हैं सो so, होता ही है कि जब आप वेन यू आर ऑन द इंटरनेट देर आर ऑल सोर्ट्स ऑफ पीपल हो सकता है कि किसी की आपसे ना अच्छी दोस्ती बनती हो और वो आपको आके आपको नीचा दिखाने के लिए कोई कमेंट पोस्ट कर दे विच इज अब्यूसिव आप उसके कमेंट को ब्लैक लिस्ट भी कर सकते हैं और साथ साथ आप अपने अवरटार की भी सेटिंग्स जो है वो चेंज कर सकते हैं सो वर्ड प्रेस अलाउ्ज यू ऑप्शन टू इनेबल और डिसेबल अवरटार्स सो नाओ वट आर गोइंग टू डू इज़ आर गोइंग टू टेस्ट आउट द सेटिंग्स डिस्कशन वाली एरिया uh, और हम उसमें देखेंगे कि कौन सी फीचर्स हमारे पास इनेबल्ड हैं और हमारे पास अवेलेबल हैं सो आई गो टू द डिस्कशन एरिया जो सेटिंग्स का है अब आप देख रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट सेटिंग्स अवेलेबल हैं जिसमें सबसे टॉप पे है डिफॉल्ट आर्टिकल सेटिंग्स सो इट्ज़

कोई कॉमेंट्स की फीचर नहीं होगी उसकी रीजन क्या है उसकी रीजन ये है बिकॉज आई हैव नाउ डिसेबल्ड द कॉमेंटिंग फीचर क्योंकि मैंने कमेंटिंग फीचर डिसेबल कर दी है तो कमेंटिंग फीचर अब नहीं एनेबल होगी नई पोस्ट पे सो दिस इज टोटली डिपेंडेंट ऑन अस हाउ वी वॉन्ट टू यूज दीज फीचर्स टू डू वट एवर वी वॉन्ट टू डू एक और हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है कि क्या कॉमेंट ऑथर मस्ट फिल आउट देयर नेम एंड ई मेल आई वुड सजेस्ट के प्लीज यू शुड ऑलवेज कीप दिसबल्ड साथ ही साथ यूजर्स मस्ट भी रजिस्टर्ड एंड लॉग्ड इन टू कॉमेंट इसको आप हमेशा डिसेबल रखें क्योंकि आप नहीं चाहते कि हर वो यूजर जो आपकी साइड पर कॉमेंट पोस्ट करे वो रजिस्टर्ड यूजर भी हो इसी तरह आप ये भी कर सकते हैं यू कैन ऑटोमेटिकली क्लोज कॉमेंट्स ऑन आर्टिकल्स ओल्डर देन अ सर्टन पीरियड ऑफ डेज आप नंबर ऑफ डेज यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं शो कॉमेंट कुकीज़ चेक बॉक्स ये क्यों है ये इसलिए है क्योंकि जी डी पी आर के जो नए प्राइवेसी रूल्स हैं उसकी वजह से आप अगर इसको इनेबल करते हैं तो आपके यूजर्स जो कि कैनेडा यू एस या यूरोप मार्केट्स में उनको नजर आएगा कि यू कलेक्ट कुकीज़ ऑन योर वेबसाइट सो इट्स बेटर टू कीप दिस एनेबल्ड बिकॉज लॉ के साथ कंप्लाइंस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इसी तरह कुछ और फीचर्स हैं ई मेल की ऑप्शन है बिफोर अ कमेंट अपीयर्स तो आप कॉमेंट मस्ट बी मैनुअली अप्रूव आप कमेंट की अप्रूवल भी मैनुअली एनेबल कर सकते हैं कि जब तक कॉमेंट अप्रूव नहीं होगा तब तक वो सामने नज़र नहीं आएगा सो यू हैव ऑल दीज ऑप्शन दिस सो दिस इज़ यू नो वट द वर्ल्ड प्रेस सेटिंग्स फीचर अलाउज यू टू डू कमेंट मॉड्रेशन है कि अगर इसमें कोई एक सर्टन लफ्ज नज़र आ रहे हैं सो इट सेज वेना कॉमेंट अपियर्स विद एनी ऑफ दीज वर्ड्स इसका आई पी एड्रेस नोट हो जाएगा और ये मॉडरेशन क्यू में चला जाएगा ये भी आप कर सकते हैं साथ ही साथ अगर आप कॉमेंट को ब्लैक लिस्ट करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं अवरटास अगर आप डिसेबल करना चाह रहे हैं जिस तरह मैं आपके सामने यहाँ पे अवरटाज डिसेबल करने लगा हूँ एंड एंड क्लिक ऑन सेव एंड नाउ वेन आई गो टू माई वेबसाइट तो आप देखेंगे कि अवतार्स नहीं नजर आएंगे आपको so, so, ये कुछ एरियाज हैं डिस्कशन के साथ ही साथ इन एक और प्लगइन जो मैंने आपको बताया था डिस्कस के नाम से उसको प्लीज एक्सप्लोर करें उसको ट्राई करें उससे देखें आप कैसे अपनी डिस्कशन फीचर्स को ज्यादा एनहेंस कर सकते हैं और डिस्कशंस uh, करते हैं बिकॉज डिस्कशंस पुश द ह्यूमन रेस फॉरवर्ड एंड मिल के साथ साथ डिस्कशंस करके आप सीखेंगे भी लोगों को सिखाएंगे भी एंड यू विल बिकम अ डीजी स्किल्स सुपरस्टार